पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों का चूना लगाने के आरोपी मेहुल चौकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेहुल चौकसी ने अपने भारतीय पासपोर्ट को एंटीगुआ के अधिकारियों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि चौकसी ने अपने पासपोर्ट नंबर Z3396732 को कैंसल्ड बुक्स के साथ जमा कर दिया है और नागरिकता छोड़ने के लिए $177 का ड्राफ्ट भी जमा कराया है। पीएनबी घोटाला जनवरी 2018 में सामने आया। घोटाला सामने आने से पहले ही जनवरी के पहले हफ्ते में ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश छोड़कर चले गए। फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी समेत कई लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की गई है। शुरुआत में जब पीएनबी ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की थी, तब ये घोटाला 280 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, लेकिन जांच के साथ ही इस घोटाले की परत दर परत खुलती गई। 15 फरवरी 2018 को नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के दिल्ली, मुंबई और सूरत स्थित 12 ठिकानों पर छापे मारे गए और कई करोड़ के हीरे, ज्वेलरी और सोना बरामद किया गया। घोटाला सामने आते ही जमकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसना शुरू कर दिया। 16 फरवरी 2018 को प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट करीब 4 हफ्तों के लिए कैंसिल कर दिए। 16 फरवरी को ही सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में गीतांजलि ग्रुप के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोटाले के खुलासे के बाद से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के 105 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स और 29 प्रॉपर्टी को सील कर दिया। 21 फरवरी 2018 को सीबीआई की विशेष अदालत ने नीरव मोदी की फायर स्टार डायमंड कंपनी के सीएफओ विपुल अंबानी और अन्य 4 आरोपियों को 5 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया। 23 फरवरी 2018 ईडी ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके ग्रुप की 523 करोड़ रुपए मूल्य की 21 संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसके अलावा जांच एजेंसी ने विदेश फरार हो चुके नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को 26 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया। 24 फरवरी 2018 सरकार ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। 3 मार्च 2018 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 8 मार्च 2018 को नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को नया समन जारी किया गया और दोनों को जांच में जल्द से जल्द शामिल होने के लिए कहा गया। इसी दिन मेहुल चौकसी द्वारा भेजे गए एक मेल की खबर भी सामने आई। मेहुल चौकसी ने सीबीआई को मेल कर पूछा कि उसका पासपोर्ट क्यों सस्पेंड किया गया और वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बना हुआ है। चौकसी ने तबीयत का बहाना बनाते हुए कहा कि वो यात्रा नहीं कर सकता। 12 मार्च 2018 को वित्तीय फ्रॉड कर देश से भागने वाले कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया विधेयक पेश कर दिया। 20 मार्च 2018 को मेहुल चौकसी द्वारा सीबीआई को भेजे गए एक और मेल के जवाब की खबर सामने आई। इस मेल में चौकसी ने कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उसके साथ बातचीत नहीं की है और मेरा पासपोर्ट अभी तक रद्द है। अपने जवाब में मेहुल चौकसी ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से भारत आने में असमर्थता जताई। 23 मार्च 2018 को भारत सरकार ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन की सरकार से नीरव मोदी को पकड़ने का अनुरोध किया। 21 अप्रैल 2018 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी गई, जिसके साथ ही वित्तीय घोटालों को अंजाम देकर विदेश भागने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का रास्ता साफ हो गया। 22 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए।
14 मई 2018 को सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में हुए महाघोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी समेत 25 लोगों के खिलाफ 7500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी। 23 जुलाई 2018 पीएमएलए कोर्ट में दिए गए अपनी याचिका में चोकसी ने दावा किया कि उसकी जान को न केवल पूर्व कर्मचारियों और कर्जदाताओं से खतरा है, बल्कि उसे लौटाने पर जहां रखा जाएगा वहां के जेल स्टाफ और कैदियों से भी उसको खतरा है। चोकसी ने साथ ही ये भी कहा कि अगर वो भारत लौटा तो भीड़ उसकी हत्या कर डालेगी। 25 जुलाई 2018 मीडिया में मेहुल चोकसी के एंटीगुआ में होने की खबरें सामने आने के बाद सीबीआई ने एंटीगुआ से मेहुल चोकसी के ठिकाने की जानकारी मांगी। मेहुल चोकसी की तरफ से आए बयान से पता चला कि उसने साल 2017 में ही एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। 26 जुलाई 2018 को पीएमएलए कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन जारी किया। 5 अगस्त 2018 को भारत ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का औपचारिक आवेदन एंटीगुआ को सौंपा। 11 सितंबर 2018 को मेहुल चोकसी ने टीवी पर आंसू बहाए और बोला कि सरकार ने बचने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया है। 17 अक्टूबर 2018 मेहुल चोकसी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया और 2018 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। 13 दिसंबर 2018 इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। ये नोटिस सीबीआई के अनुरोध पर जारी किया गया। 4 जनवरी 2019 ईडी ने मेहुल चोकसी की थाईलैंड स्थित फैक्ट्री को अटैच किया और अब 21 जनवरी 2019 तक मेहुल चोकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चोकसी के नागरिकता छोड़ने के मामले में विदेश मंत्रालय और जांच एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।